हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम करेंगे भारवे अर्थ गौरवम। जैसा कि हम सभी को पता है, एमए बीए या जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं उसमें बहुत मेनली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारवे अर्थ गौरवम। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं उसको हम एक तरह से टॉपिक की तरह कर रहे हैं। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं भारवे अर्थ गौरवम। संस्कृत साहित्य विश्व का सबसे समृद्ध साहित्य है। यह साहित्य सागर इतना विशाल और इतना अथाह है कि जहाँ भी खोजिए वहीं मोती अवश्य मिल जाती हैं। इस साहित्य के सर्जक और अलंकृत करने वाले विद्वानों ने संपूर्ण भावना से सदैव कविता कामनी को सवारने का ही कार्य किया है। कहीं महाकवि कालिदास की उपमा प्रतिष्ठित है, कहीं दंडी का पद्लालित्य साहित्य सागर को समृद्ध बना रहा है, और कहीं पर क्या है, साहित्य सर्जकों सरस्वती के सपूतों में महाकवि भारवी का महत्व भी कम नहीं आंका जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है उनका? उनके कहने का तात्पर्य कि जिस तरह से महाकवि कालिदास की उपमाएं अत्यधिक फेमस है और दंडी का पद लालित्य है, उसी तरह से महाकवि भारवी का जो अर्थ गौरव है वह भी कम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे है, महाकवि भारवी का एकमात्र महाकाव्य किरात अर्जुनीयम ही प्राप्त है। यह हम सबको पता है कि महाकवि भारवी का सिर्फ एकमात्र महाकाव्य है, और वो क्या है? किरात अर्जुनीयम है। उनकी कृति भी एक ही है, अर्थात उन्होंने सिर्फ एक ही रचना की है, और वो क्या है? एक महाकाव्य है, और क्या है? किरात अर्जुनीयम है। यह संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है। भारवे अर्थ गौरवम से तात्पर्य है कि महाकवि भारवी का अर्थ गौरव अत्यधिक मनोरम है। उन्होंने अर्थ गौरव से क्या तात्पर्य है कि अथा सागर को हम किसने चंद शब्दों में उन्होंने वर्णित कर दिया है। गागर में सागर भरना, वही यहाँ पे तात्पर्य है अर्थ गौरव से। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने सीमित शब्दों में विपुल अर्थ समाविष्ट कर दिया है। विपुल अर्थात अतः, बहुत सारा जो अर्थ है वो किसमें? थोड़े से शब्दों में ही समाविष्ट कर दिया है। महाकवि भारवी की रचना में सुंदर लोक शिक्षण परक नीति वाक्यों की भरमार है। और वो किस प्रकार के शब्द हैं? सुंदर लोक शिक्षण परक नीति वाक्य हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कालिदास की कविता में द्राक्षा पाक है, जबकि भारवी के काव्य में नारियल पाक है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जहां नारियल को तोड़ने के बाद ही उसका रस हाथ लगता है, महाकवि भारवी की सूक्तियों में अर्थ गौरव की महत्ता अंकित करके सहृदय समीक्षकों ने एक उक्ति प्रचलित की है। उन्होंने ऊपर क्या कहा है? उन्होंने कहा कि नारियल पाक है। नारियल पाक से तात्पर्य है उनका कि बाहर से तो वो बहुत कठोर होते हैं, परंतु अंदर से क्या होते हैं? कोमल होते हैं। अर्थात जो उनका अर्थ है वो उतना ही रसयुक्त होता है, भले ही वो बाहर से कितने भी कठोर हो। तो इसलिए उनकी जो कृतियां हैं, उनको क्या कृति है, उसको क्या कहा गया है? नारियल पाक कहा गया है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ गौरव है उनको सहृदय समीक्षकों ने उक्ति प्रचलित कर दी है। क्या? भारवे अर्थ गौरवम, अर्थात जिस प्रकार से महाकवि कालिदास के लिए है उपमा कालिदासस्य है भारवे अर्थ गौरवम दाणीना पद्लालित्य, तो उसी प्रकार से भारवी के लिए क्या है? भारवे अर्थ गौरव। अर्थ गौरव वह काव्य गुण है जिसमें अल्पतम शब्दों में व्यापक अर्थ को प्रकर्षित करने की क्षमता होती है। अभी हमने ऊपर यही बात कही थी, वही नीचे कह रहे हैं कि भारवी की सूक्तियों में यह गुण प्रचुर परिमाण में विद्यमान है, अर्थात बहुत सारी मात्रा में विद्यमान है। क्या कह रहे हैं? अब उन्होंने एक किरात अर्जुनीयम का श्लोक दिया है। प्रथम की जो दस श्लोक है उन्हीं में से एक श्लोक वर्णित है, उसको ही कह रहे हैं वो। अगर आपने सूक्तियाँ पढ़ी है तो सूक्तियों में भी आपने पढ़ा होगा हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन, वही कह रहे हैं कि क्रियासु युक्त नृपई चार चक्षु न वंचनीयाम प्रभु अनुजीव भी अतुर अहसी क्षंतुम साधु असाधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन। क्या कह रहे हैं? अगर वनेचर जो है वो द्वैत वन में आया है, किसके पास? युधिष्ठिर के पास। और वो आकर के क्या कहता है कि हे राजन, कार्यों में नियुक्त क्या है? कार्यों में नियुक्त जो सेवक हैं, अनुजीवी भी अर्थात जो सेवक हैं, चार चक्षु, चार चक्षु तात्पर्य क्या है? गुप्तचर ही जिनकी आंखें हैं, उन प्रभु अर्थात प्रभु से तात्पर्य, प्रभव से क्या तात्पर्य यहाँ पर? स्वामियों की न वंचनीय अर्थात ठगी नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि हे राजन, कार्यों में नियुक्त सेवकों को गुप्तचर ही जिनकी आंखें हैं, उन स्वामियों की ठगी नहीं करनी चाहिए। अतः इसीलिए साधु प्रिय वचन है जो, और असाधु जो प्रिय नहीं अर्थात जो अप्रिय वचन है, उनको क्षंतुम आप क्या है? क्षमा करने के योग्य हैं, क्योंकि वह क्या कह रहे हैं आगे वो कि क्षमा करने के योग्य हैं आप, क्योंकि हितकारी हितम मनोहारी, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं।
क्या कह रहे हैं कि कार्यों में नियुक्त सेवकों को उन स्वामियों की ठगी नहीं करनी चाहिए जिनकी आंखें गुप्तचर ही होती हैं, इसीलिए आप मेरे द्वारा अच्छा या बुरा क्षमा करें। भाई मैंने जो आपको अच्छा या बुरा, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उसको आप क्षमा करें, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। क्या कह रहे हैं आगे, किरातार्जुन ने महाकाव्य के प्रथम सर्ग के चतुर्थ श्लोक में, ये वही हमारी जो प्रथम 10 श्लोक है उनमें से ये एक है, और कौन सा है, चतुर्थ श्लोक में ही भावी का अर्थ गौरव प्रस्तुत हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक में वनीचर, हमने देखा अभी कहाँ थे, युधिष्ठिर हैं वन में और वनेचर जो है वो वन में आया है, और क्या कह रहा है कि जो प्रस्तुत श्लोक है उसमें क्या चल रहा है कि वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजन, कार्यों में नियुक्त सेवकों को उन स्वामियों की प्रवचनार्थात ठगी नहीं करनी चाहिए जिनकी आंखें गुप्तचर ही होते हैं, इसीलिए आप मेरा कहा अच्छा या बुरा क्षमा करें अर्थात सहन करें, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार महाकवि भारवी ने कुछ शब्दों में ही बहुत बड़ी एवं गुणयुक्त उक्ति वनेचर के माध्यम से प्रयुक्त की है। एक और उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उदाहरण क्या है, तथापि जिहास भवत जिगीषा तिनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतम अनार्य संगम वरम विरोध अपि सम महात्मा भी। क्या कह रहे हैं, देखिए अगर आपको पूरा श्लोक नहीं याद हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप पूरा श्लोक मत याद कीजिए, आप सिर्फ चाहे तो इतना कर सकते हैं, यहाँ पे वरम आया हुआ, वरम विरोधी अपि सम महात्मा भी, क्योंकि एक तरह से ये सुक्ति अगर आप इतना याद करेंगे तो इतना भी ठीक है। ऊपर भी जहाँ पर सिर्फ आया था हमारा हितम मनोहारी से दुर्लभ वचन, आप सिर्फ इतना याद कीजिए हितम मनोहारी से दुर्लभ वचन, पूरा श्लोक आपको नहीं याद हो पा रहा है, सिर्फ बीच में आप वो हेडिंग में डालिए और नीचे उसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि आप यहाँ पर अर्थ गौरव किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं महाकवि भारवी का। इसी तरह से आपको पूरा श्लोक याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वरम विरोध अपि सम महात्मा भी इतना लिखेंगे तो इतना भी चलेगा, ठीक है। अर्थात क्या कहने का तात्पर्य, यहाँ पर कह रहे हैं महाकवि भारवी की, अर्थात कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से, क्या भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से गुणों की संपदा से अपने निर्मल यश का प्रसार कर रहा है। गुण संपदा यशः तिनोति शुभ्रम, शुभ्रम अर्थात जो उसकी गुणों से संपन्न संपदा है उसका क्या कर रहा है, वो उसके निर्मल यश का प्रसार कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं कि देखिए श्लोक में देखिए ऊपर और नीचे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे न आर्या संगम संगमात वरम विरोध अपि, कहने का तात्पर्य कि दुष्ट जनों की संगति की अपेक्षा तो महात्माओं के साथ किया गया जो विरोध है, विरोध अपि विरोध भी क्या होता है, सम महात्मा भी अच्छा होता है, अर्थात सम महात्मा भी महात्माओं के साथ किया गया जो विरोध है वह भी अच्छा होता है, किससे, दुष्ट जनों की संगति से, जो ऐश्वर्य को बढ़ाता बढ़ाता चलता है। अर्थात अगर हम महात्माओं के साथ विरोध भी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान ही प्राप्त होगा, कहने का तात्पर्य अगर हम किसी बात पे महात्माओं से बहस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो महात्मा है वो हमें इस बात का ज्ञान कराएंगे कि हम कहाँ गलत है, और कुछ अच्छा ही हमें उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो वो वही कह रहे हैं कि जो ऐश्वर्य को हमारे बढ़ाता चलता है। प्रस्तुत श्लोक के द्वारा क्या ज्ञात होता है कि हमें कभी दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट लोगों की संगति कभी भी किसी व्यक्ति का ज्ञान वर्धन नहीं कर सकती। अर्थात अगर हम दुष्टों के साथ रहेंगे तो हमारे ज्ञान में तनिक भी वृद्धि नहीं होगी, अपितु अगर हम जो हमारे साथ विरोध है, विरोध भी किसके साथ कर रहे हैं, हम साधु जनों के साथ अर्थात विद्वान जनों के साथ करें तो वो भी हमारे ज्ञान में वृद्धि करेगा। दुष्ट जनों की संगति के स्थान पर हमें किसी महात्मा के साथ विरोध उचित है, इसके साथ हमारा ज्ञान तो बढ़ेगा ही और ऐश्वर्य का भी वृद्धि होगी। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य कि हमारा ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ में हमारी ऐश्वर्य में भी वृद्धि होगी। यही नहीं, महाकवि भारवी ने वनेचर के द्वारा बहुत ही उत्तम उक्तियों का वर्णन करके अपने एकमात्र ग्रंथ किरातार्जुन महाकाव्य को उच्च स्थान पर पहुंचा दिया है। जैसे कि हम सबको पता है कि महाकवि भारवी का भी उचित स्थान है हमारे संस्कृत महाकाव्य में, तो वही कह रहे हैं वो कि मात्र कहने के लिए उनकी सिर्फ मात्र एक कृति है, हमारे कालिदास को देखें तो उनकी भी 7 हैं, अपने स्थान पर वो उचित हैं कि वो उच्च स्थान पर वर्णित है, तो वो उनके कहने का तात्पर्य कहने के लिए उनकी सिर्फ एक महाकाव्य है, एक कृति है, उसके बावजूद भी वो क्या है, उनको उसकी एक कृति ने, उनके अर्थ गौरव ने उनको उच्च स्थान पर पहुंचा दिया है। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उदाहरण क्या है देखते हैं, भूपालमपि स्त्रयाति प्रशासत अवारिधि मंडलम भुवः स चिंतयत्येव भिय
त्वदेश्यति अहो दुरंता बलवित विरोधिता। क्या कहने का तात्पर्य यहाँ पर उनका, अर्थात क्या कह रहे हैं वो कि दुर्योधन प्रतिपक्ष राजाओं से रहित, अर्थात जो उसके राजा हैं उनसे रहित, और क्या कह रहे हैं सुसारथी भविष्य संपन्न, अर्थात जो सुसारथी अच्छे घोड़ों अच्छे सारथी से संपन्न जो रथ हैं उनसे संपन्न समुद्र पर्यंत भूमंडल का शासन करने वाला हुआ भी आपकी ओर से संभावित भय के बारे में सोचता ही रहता है। अहो दुरंता बलविद विरोधिता। पूरा नहीं याद होगा तो आप सिर्फ इतना याद करके इतना लिखेंगे तो इतना भी काफी होगा, याद रखिएगा अहो दुरंता बलविद विरोधिता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनके कहने का क्या तात्पर्य है कि जो दुखद परिणाम देने वाली होती है क्या बलवान के साथ की गई शत्रुता, बलवत विरोधिता बलवान व्यक्ति के साथ की गई जो शत्रुता है वो कैसी होती है, अहो दुरंता अत्यधिक दुखद परिणामवती होती है, अर्थात परिणाम जो दुखद परिणाम है वो इस प्रकार परिणाम देने वाली होती है, किस प्रकार दुखद परिणाम देने वाली होती है। बालिनी भूपालिनमपि, अर्थात उसकी जो क्या है उसकी जो समृद्धि है उसके जो शासन है वो कहाँ तक फैला हुआ, समुद्र पर्यंत, अर्थात समुद्र से भी आगे तक भूमंडल का शासन करने वाला भी है वो, और क्या है उसके बावजूद भी भय रहता है उसको किस चीज का कि भाई कहीं आप उस पर आक्रमण ना कर दे। तो क्या है यह आश्चर्य की बात है कि बलवानों के साथ की जाने वाली शत्रुता का अंत बहुत ही दुखद होता है। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी अपने से बलवान व्यक्ति के साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए। क्यों क्यों कह रहे वो ऐसे, क्योंकि अपने से बलवान व्यक्ति के साथ की गई शत्रुता का परिणाम अत्यधिक कष्ट देने वाला होता है, इसलिए हमें अपने से बलवान व्यक्ति के साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार महाकवि भारवी की उक्तियां पूर्ण रूप से अर्थ गौरव से संपन्न है। जैसे कि हम ऊपर देख कर आए हैं तीन सूक्तियां, तो वो क्या है अर्थ गौरव से युक्त है। उनकी प्रशस्ति में अर्थात उनकी प्रशंसा में डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ल ने कहा है कि क्या कहा है, अगर आप पेपर में लिख रहे हैं अपने एग्जाम में लिख रहे हैं बीए के या एमए के, तो अगर आप इसको ऐसे ही लिखेंगे बीच में ब्लैक हेडिंग से या ब्लैक पेन से हेडिंग डाल करके तो अच्छा लगेगा, और अगर आपका क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आपको 8 या 9 तो मिल ही जाएंगे, तो इस हिसाब से आपको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ संस्कृत में नहीं भी याद हो रही है तो उसको आप अच्छे से हिंदी में याद कीजिए, जैसे वो लिखी हुई है बिल्कुल वैसे हिंदी में याद करके उसको आप बीच में हेडिंग से ब्लैक पेन से डालेंगे तो भी अच्छा रहेगा और आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं कि संक्षेप में भारवी का कवित्व किसने कहा है, ये अवश्य याद रखिएगा डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ल ने कही है उनके लिए ये उक्तियाँ, और वो क्या कह रहे हैं कि संक्षेप में भारवी का कवित्व लोक व्यवहार राजनीति एवं काव्य इन तीनों की त्रिवेणी है। किन तीनों की, लोक व्यवहार राजनीति एवं काव्य इन तीनों की त्रिवेणी है, जिसमें अर्थ गौरव सोष्ठव अर्थात जो शब्द शक्ति है एवं औदर्य अर्थात जो अर्थ शक्ति है, अर्थात जो शब्द शक्ति है और जो अर्थ शक्ति है अर्थ शक्ति के कुलों में होकर वह बह रहा है, कुलों से होकर के वो क्या कर रहा है बह रहा है। फिर से देखिए एक बार क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिसमें अर्थ गौरव शब्द शक्ति एवं अर्थ शक्ति अर्थात सोष्ठव एवं औदर्य के कुलों से होकर बह रहा है। मांग को सरसाती हुई यह धारा रत्नाकर से मिलती है, जहां से हर्ष हिलोरे मारकर उठते हैं, अर्थात उन्होंने किसको महाकवि भारवी को किससे मांग से और हर्ष से भी ऊपर बता दिया है। ठीक है, डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ल जी के शब्द भी उनकी प्रशंसा करने से पीछे नहीं रहे हैं। किनकी प्रशंसा करने से, भारवी की प्रशंसा करने से पीछे नहीं रहे हैं। मात्र यही नहीं, अन्य भी अनेक अर्थ युक्त सूक्तियां महाकाव्य में भारवी द्वारा वर्णित की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं। अभी हमने 4 श्लोक दिए मेन रूप से, अगर आप छोटा छोटा देना चाहें तो वो भी, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप 2 लिख लीजिए 3 लिख लीजिए, जितना आप लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने कुछ और सुक्तियां दी हैं, वो सुक्तियां क्या हैं, वसंती ही प्रेम गुणा न वस्तुनि, अर्थात प्रेम में गुण बसते हैं कभी भौतिक पदार्थ में नहीं, गुणा न वस्तुनि, गुण अर्थात जो है वो भौतिक पदार्थों में नहीं बसते हैं, वसंती ही प्रेम पे अर्थात जो प्रेम है उसमें ही बसते हैं गुण, भौतिक पदार्थों में नहीं बसते हैं। आगे भी आगे क्या दी है उन्होंने, आगे देखिए आगे क्या दी है, आपात रम्या विषया परे परे
तापिनी क्या कह रहे हैं, इंद्रियों के विषय तो अपनी प्राप्ति के ही समय अच्छे लगते हैं, अंतिम अवस्था में वे संताप ही देते हैं। क्या कह रहे हैं, जो हमारे इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों के विषय है जो वो क्या विषय, विषय से तात्पर्य यहाँ पर जो इंद्रियों के विषय है वो अपनी प्राप्ति के ही समय अच्छे लगते हैं, अंतिम अवस्था में वे क्या देते हैं, संताप ही देते हैं। अर्थात वो क्या कहेंगे हम इसको, अग्नि उत्पन्न करते हैं, ज्वर एक तरह से संताप ही देते हैं। आगे देखते हैं, आगे भी है, सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम ही गुण अर्जनम, संसार में सौंदर्य की प्राप्ति कठिन नहीं है। सुलभा रम्यते लोके, लोके संसार में रम्यता सुलभम दुर्लभ, क्या कहने की जो संसार है सौंदर्य की प्राप्ति कठिन नहीं है किंतु गुणों की प्राप्ति बहुत ही कठिन है। दुर्लभम ही गुणार्जनम, सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, गुणों की प्राप्ति दुर्लभ है, परंतु अगर पूरी लाइन याद हो जाए तो आपको अच्छी बात है। सुलभा रम्यते लोके दुर्लभम ही गुणाः, इतना इतना याद कीजिए। देखिए, सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जन, अर्थात संसार में गुणों सौंदर्य की प्राप्ति कठिन नहीं है परंतु गुणों को अर्जन करना, गुणों को ग्रहण करना, गुणों की प्राप्ति कठिन है। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट से तात्पर्य अति लघु में, लघु में आपसे पूछ सकते हैं वो, या ये भी पूछ सकते हैं एक नंबर के क्वेश्चन में कि ये कहाँ से लिया गया है, किसके लिए प्रचलित है। सहसा विधित विधित ने क्रियायाम, अर्थात सहसा अचानक, विधित न क्रियायाम बिना विचारे, अर्थात अकस्मात कोई काम नहीं करना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सुक्ति है ये, महाकवि भारवी के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है ये, प्रथम सर्ग में नहीं है, अगर आपके में प्रथम सर्ग है तो प्रथम सर्ग की ये उक्ति नहीं है, ये आगे के सर्ग से वर्णित है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखिएगा कि सहसा विधित न क्रियताम, अर्थात बिना विचारे अकस्मात कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दुअधिगमाः ही गति ही प्रयोजनानाम, अर्थात किसी उद्देश्य का अंतिम परिणाम क्या होगा यह जानना कठिन है, प्रारंभ में ही यह निर्णय नहीं किया जा सकता है। कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो हम शुरू में ही नहीं बता सकते हैं कि इसका परिणाम कैसा होगा, तो यह कहना कठिन है, और क्या कर सकते हैं हम उसको, प्रारंभ में ही यह निर्णय नहीं ले सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे एक और सुक्ति दी है, आपको जितनी याद हो आप 2, 3, 4 लिखेंगे तो दैट्स इनफ, इतनी बहुत है, आपको ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप एमए लेवल से लिख रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं वो, आगे एक और सुक्ति है, क्या कह रहे हैं, मत्सर्य रागो भत आत्मानम ही स्खलंती साधु श्वपी मानसानी, कहने का क्या तात्पर्य है कि ईर्ष्याग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनके चित्त सज्जनों के प्रति भी द्वेष युक्त ही रहते हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि वो सज्जनों के प्रति द्वेष भावना ना रखें, वो सज्जनों के प्रति भी कैसे होते हैं, द्वेष युक्त ही रहते हैं। आगे देखते हैं, सभी श्लोक एवं सुक्तियों से महाकवि भारवी के अर्थ गौरव की छटा विद्यमान है, अर्थात यहाँ पर सेनी यहाँ होगा में, सभी श्लोक एवं सुक्तियों में महाकवि भारवी के अर्थ गौरव की छटा विद्यमान है, जो उन्हें सभी महाकवियों में, जो महाकवि हैं उनमें विशेष स्थान प्रदान करती है। उपसंहार एक तरह से हम लिख रहे हैं अब, क्योंकि हम अपने प्रश्न को एंड कर रहे हैं तो उपसंहार के रूप में लिखते हैं कि अंततः इस प्रकार महाकवि कला पक्ष के प्रति अभी रुचि बढ़ाने वाले कवि माने जाते हैं, और महाकवि भारवी स्पष्ट रूप से कला पक्ष के कवि माने जाते हैं। वह अलंकृत काल के प्रवर्तक महाकवि हैं, उनका सर्वाधिक ध्यान अर्थ गंभीर्य पर रहा है, इसीलिए उनको अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध भी मानते हैं, क्योंकि उनका पूरा जो ध्यान है वो कहाँ रहा है, अत्यधिक जो ध्यान है, सर्वाधिक ध्यान अर्थ गंभीर्य की तरफ रहा है। यही कारण है कि उनके संबंध में भारवीर अर्थ गौरव इस सूक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, क्योंकि उनके छोटे छोटे शब्दों में अथा समुद्र समाया है। ये आप याद रखिएगा, आप अंत में लिख सकते हैं कि वो गागर में सागर की तरह प्रयुक्त करते हैं अपने शब्दों को, तो इस तरह से आप अपने प्रश्न को एंड कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से भारवी अर्थ गौरव समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट सेशन में लिख करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।